साथियों नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में और ये फर्राटे भर रही गाड़ियां ये बता रही हैं कि इस समय आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हैं। जी हां, आप सही देख रहे हैं, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे। देखिए ये फर्राटे भर रही गाड़ियां ये बता रही हैं कि इस समय मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूं। लेकिन साथियों मैं इधर से ही गुजर रहा था और मैंने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो लाइटें लगी हैं वो कहीं ना कहीं यहां के आने जाने वाले लोगों को डराने का काम कर रही हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगाई गई भुकभुकिया लाइट का आप देखिए कैसे यहाँ से जहाँ तक आपको दूर तक आपके कैमरे में जो दिखाई दे रहा होगा कोई भी ऐसी लाइट नहीं है जो आपको डराने का काम नहीं कर रही है। ये चाइनीज भुकभुकिया लाइट जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बता रही हैं कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किस कदर यूपीडा द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। आप समझिए 16 नवंबर सन 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का स्वयं उद्घाटन किया था, वो भी उस समय इतनी जल्दबाजी में जब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम भी पूरा नहीं हो पाया था और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। आए दिन आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला ऐसा निकल कर आता है जो कभी बड़े हादसे का सबब होता है तो कभी बड़े भ्रष्टाचार की पोल भी खोलता है। इसी दरमियान आपको बता दें अभी तकरीबन इसी महीने के शुरुआत में ही बरसात के समय में इस सड़क पर तकरीबन 15 फीट का गहरा गड्ढा हो गया था और आप समझिए कि 14 नवंबर सन 2021 में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ हो जो करीब 22,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई हो उसका क्या हाल है। आप देखिए लाइटें जो लगी हुई हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लाइटें हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये चाइनीज वो लाइटें नहीं हैं जो अक्सर आप दीपावली पर अपने घरों को सजाने के लिए लगाते हैं। ये चाइनीज वो लाइटें नहीं हैं जो आपको शादी और समारोहों में देखने को मिलता है, ये वो लाइटें हैं जिनको हम स्ट्रीट लाइट बोलते हैं और ये लाइटें कहीं और छोटी मोटी सड़कों पर नहीं बल्कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगाई गई हैं। करीब 100 की स्पीड तक की गाड़ियाँ स्पीड में जाती हैं इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। आप देखिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो गाड़ियां जा रही हैं इन भुकभुकिया लाइटों की वजह से क्या दुर्घटना नहीं हो सकती है। आप समझिए मैं खड़ा हूं जहां यहां पर इन लाइटों की वजह से आपका सिर चकराने लगेगा, इस कदर ये लाइटें बार बार जल रही हैं बुझ रही हैं जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है वो भंग हो सकता है और गाड़ी चलाते समय कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी है किसी भी व्यक्ति के सुरक्षा के लिए। लेकिन ये जो लाइटें हैं कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रही हैं वहीं दूसरी तरफ ये बड़े हादसे का सबब भी बनी हुई है। गोलियों पर आप जब गिनती करेंगे तो आपको दूर तलक भी कैमरे में जो तस्वीरें साफ नजर आ रही होंगी कि वहां तक आप देखिए कि करीब 3 से 4 लाइटें ऐसी हैं जो बार बार जल और बुझ रही हैं। जहां मैं खड़ा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 करीब 6 लाइटें ऐसी हैं जो जलने और बुझने का काम कर रही हैं। आप समझिए कि किस कदर यहाँ पर लाइटें भ्रष्टाचार की पोल खोलती नजर आ रही हैं। वाकई में ये तस्वीरें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हैं कि 14 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हकीकत मैं दिखा रहा हूं। आप देखिए अभी इसी महीने 15 फीट का गड्ढा हुआ था और ये सड़क भी बह गई थी उस बरसात में। गिनती करिए, अंगुलियों पर आपको गिनती करके मैं दिखाता हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह लाइटें तो यहाँ लगी हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ और 6 लाइटें जो 6 लाइटें लगी हैं केवल डराने का काम कर रही हैं। भुकभुकिया लाइट भ्रष्टाचार की पोल खोल रही हैं, ये भुकभुकिया लाइट यूपीडा द्वारा किए गए कार्य को बता रही हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किस कदर लापरवाही बरती जा रही है। और मैंने इस बात का बार बार आपसे जिक्र किया कि अगर आप 100 की स्पीड में 70 की स्पीड में 80 की स्पीड में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका दिमाग केंद्रित नहीं रहेगा तो आप गाड़ी सही सलामत नहीं चला पाएंगे और ये लाइटें जो हैं कहीं ना कहीं लोगों के कंसंट्रेशन को भंग करने का काम कर रही हैं। जो लोग केंद्रित होकर गाड़ियां चलाएंगे जब इनके बीच में आते हैं तो ये लाइटें जो डरा रही हैं, जो भुकभुकिया लाइटें बार बार जल और बुझ रही हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को बड़े हादसे की तरफ खींचने का काम भी कर रही हैं। आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वो तस्वीरें और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से आप और दूर तक जाएंगे कैमरे में कुछ ना कुछ आपको जरूर
जरूर दिख रहा होगा, जितनी भी लाइटें लगी हैं सारी लाइटें जलने और बुझने का काम कर रही हैं। अपने दाहिनी तरफ भी मैं अगर दिखाऊं तो दूर तलक भी जितनी भी लाइटें लगी हैं केवल जलने बुझने का काम कर रही हैं। ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिस पर चुनाव के समय में सियासी अखाड़ा हुआ करता था। इस पर एक से एक चुनावी दिग्गज अपने जोर आजमाइश करते थे और कोई उद्घाटन के लिए फीता काटने के लिए चोरी चुपके काटता था तो कोई जबरदस्ती सरेआम बिना काम पूरा हुए ही उद्घाटन करके भाग जाता था। लेकिन आज उसकी तस्वीरें जो हैं उसको आप कैमरे में देखिए कि किस कदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर काम किया गया है। और जहां हम मौजूद हैं ये सुल्तानपुर जनपद के चाँदपुर दूबे का पुरवा गांव के पास की तस्वीरें हैं और केवल एक तस्वीरें यहां नहीं है इसी गांव के पास। आप इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जब चढ़ेंगे और 10 किलोमीटर का आप सफ़र करेंगे तो लगभग आपको हर दूसरी लाइट ऐसे ही जलती और बुझती नज़र आएगी। आप देखिए किस कदर यहाँ पर संवेदनहीनता है। आए दिन इस सड़क पर बड़े दुर्घटना होते रहते हैं, कहीं ना कहीं कभी तेज स्पीड की वजह से तो कभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए गड्ढे की वजह से तो कभी इन लाइटों की वजह से भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और ये दुर्घटना को सबब दे रही लाइटें साफ साफ इस बात का अंदेशा दे रही हैं। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।